मुंगेली जिले के सरगांव थाना पुलिस ने ग्राम खजरी स्थित भूषण कृषि केंद्र नामक दुकान के पीछे स्थित दरवाजे को तोड़कर दुकान के गल्ले से बिक्री की रकम को चोरी करने वाले दो आरोपी अरुण साहू से 1,57,000 रुपए और जुगल किशोर यादव से 1,59,000 रुपए कुल 3,16,000 रुपए नकद बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेली जिले की चिल्फी चौकी पुलिस ने बकरा फार्म हाउस खोलकर देने का प्रलोभन देकर प्रार्थी भोलाराम साहू से 4,50,000 रुपए लेकर काम नहीं करने और रुपए नहीं वापस करने वाले आरोपी अराफात खान एवं मोहम्मद आलम खान को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले की घरघोड़ा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत घरघोड़ा धर्मनगढ़ के मध्य रेल विद्युतीकरण के कार्य में लगी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा रखे गए रेलवे लाइन के ऊपर लगने वाले तांबे तार को चोरी करने वाले तीन आरोपियों शशि भूषण दास, सौकी लाल चौहान और देवनाथ राठिया को गिरफ्तार कर चोरी किया गया तांबा बरामद कर लिया है। रायपुर के मुजगैन थाना क्षेत्र में स्थित दतरेंगा स्थित आदर्श नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले गौरव सिद्धार्थ नामक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली थी। अब इस मामले में परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मामला फीस से जुड़े विवाद का बताया जा रहा है। पुलिस से जनता कांग्रेस नेताओं ने भी शिकायत कर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करने की मांग की है। रायपुर में एक युवती की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। दरअसल मोनिका यादव नामक युवती अपने बॉयफ्रेंड वाहिद अली के साथ नवा रायपुर घूमने गई थी, मगर घर उसकी लाश लौटी। इस मामले को लेकर युवती के परिजन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया और लड़की के प्रेमी वाहिद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। बलरामपुर पुलिस ने झारखंड के देवघर जिले में दो साइबर ठगों प्रकाश मंडल व हेमलाल हसदा को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने मिलकर जिले के रामानुजगंज व राजपुर थाना क्षेत्र के दो व्यक्तियों नंदलाल गुप्ता और नरेश अग्रवाल से लाखों की साइबर ठगी की थी। इसके पहले साइबर ठगी के एक अन्य प्रकरण में पुलिस ने ग्राम बनगोड़ा थाना देवीपुर में दबिश देकर आरोपी पलटू दास एवं पंकज दास को पकड़ा था। कोरबा जिले में शनिवार को सीआईएसएफ जवानों और एसईसीएल के कर्मचारियों के बीच जमकर लाते गुस्से चले। सीआईएसएफ जवानों ने दीपका परियोजना में काम कर रहे माइनिंग कर्मचारी को डीजल चोर समझकर पकड़ा और एक घंटे तक उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का पता चलते ही एसईसीएल कर्मचारी भड़क गए। रायपुर की गंज थाना पुलिस ने शनिवार को चूनाभट्टी अंडरब्रिज के पास प्रतिबंधित नशीले टैबलेट बेचते दीपक राव मोहिते को पकड़कर पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर महासमुंद जिले के पिथौरा में शासकीय हॉस्पिटल के सामने स्थित बंसल मेडिकल स्टोर के संचालक मनोज बंसल को पकड़कर दोनों आरोपियों से 1200 नग नाइट्रोटेन टैबलेट, 600 नग लोमेटिल टैबलेट और 240 नग स्पास्मो टैबलेट के साथ नगद 3,000 रुपए सहित बाइक को जब्त किया है। राजनांदगांव शहर के ममता नगर में रहने वाले संजू एस जैन को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जैन पर खुद को अफसर बताकर भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल संचालक को धमकाने और 5,00,000 रुपए की डिमांड करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूरतपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम सलका निवासी फूलसाय की गेतरा गांव में हुई हत्या की गुत्थी को सुलझाकर आरोपी मृतक के भांजे अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।